दोस्तों वक्त और हालात एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को नायक और किसी को भी खलनायक बना सकती है। और दोस्तों आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही एक्टर की है जिसके बुरे वक्त और हालातों ने उसे रियल लाइफ का विलन बना दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर संजय दत्त की, जो कि अब तक लगभग 190 फिल्मों में पुलिस, गैंगस्टर और हीरो की तरह ही कई सारे अलग अलग किरदार निभा चुके हैं और इन रोल्स ने उन्हें लोगों के बीच काफी फेमस भी किया है। हालांकि दोस्तों संजय दत्त बॉलीवुड में जितने अच्छे और सफल एक्टर माने जाते हैं उतने ही विवादों में उनका जीवन भी रहा है। और संजय दत्त की कहानी के ऊपर ही 29 जून 2018 को उनकी बायोपिक संजू भी आ रही है। और इस बायोपिक की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही यह लोगों के बीच चर्चा की विषय बनी हुई है। साथ ही उनका रियल लाइफ किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने इस बायोपिक में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का मन मोह लिया है। तो चलिए दोस्तों अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देख चुके संजय दत्त की पूरी लाइफ जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जुलाई 1959 से, जब बॉम्बे स्टेट में संजय दत्त का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सुनील दत्त था, जो कि बॉलीवुड के ही एक जाने माने एक्टर थे। साथ ही उनकी माँ का नाम नरगिस, और वह भी भारतीय सिनेमा जगत में किसी पहचान की मोहताजी है। संजय दत्त ने अपनी शुरुआती पढ़ाई द लॉरेंस स्कूल से की और फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए वह एल्फिंस्टन कॉलेज गए। वैसे तो संजय दत्त ने 1972 में ही अपना फिल्मी करियर रेशमा और शेरा नाम की मूवी में एक छोटा सा रोल अदा करके शुरू कर दिया था, लेकिन अपना खुद का नाम बनाने में और बतौर लीड एक्टर उनकी फिल्म आने में कई साल लग गए। दोस्तों संजय दत्त भले ही सुनील दत्त और नरगिस के बेटे थे, लेकिन एक्टिंग में अगर उन्हें लंबे समय तक अपना नाम बनाना था तो स्क्रीन पर अच्छी परफॉर्मेंस तो देनी ही थी। और फिर 1972 में एक छोटे से रोल के बाद से उन्होंने अपनी एक्टिंग के स्किल्स को और भी बेहतर किया और उनकी यह मेहनत दिखाई दी 1981 की फिल्म रॉकी से, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। और अपनी पहली मूवी से ही संजय दत्त ने बता दिया था कि वे लंबे रेस के घोड़े हैं। हालांकि इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही संजय दत्त की माँ यानी कि नरगिस की मृत्यु हो गई और इस घटना से संजय दत्त को बहुत ही गहरा सदमा लगा। यहाँ तक कि उन्होंने इस गम से उभरने के लिए ड्रग्स तक का सहारा लिया और कब उनकी यह मजबूरी आदत में बदल गई उन्हें पता भी नहीं चला। और इसी बीच उन्हें ड्रग्स रखने के जुर्म में पहली बार जेल भी जाना पड़ा। हालांकि उनके पिता ने सही समय पर उनको टेक्सास के एक रिहैब में भर्ती करवा दिया और वहां पर 5 महीने बिताने के बाद संजय दत्त ने ड्रग्स की लत से निजात पा ली। और फिर अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए 90 के दशक तक वह एक जाने माने एक्टर बन चुके थे और लोग उन्हें ऑन स्क्रीन हीरो का किरदार निभाते हुए देखकर खुशी से झूम जाते। लेकिन दोस्तों किसी भी व्यक्ति का समय हमेशा ही एक जैसा नहीं रहता और कुछ ऐसा ही हुआ संजय दत्त के साथ भी। 1993 में मुंबई में अलग अलग जगहों पर 12 बम ब्लास्ट हुए, जिसमें कुल 257 मासूमों की जान चली गई और लगभग 713 लोग घायल हुए। और इन हमलों ने न केवल मुंबई को बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया। और फिर संजय दत्त का नाम मुंबई में हुए इन बम ब्लास्ट में उछाला गया और यह कहा गया कि संजय दत्त के पास जो हथियार है वह मुंबई के हमलों के लिए जो जिम्मेदार आतंकी हैं उन्हीं के पास से आए हैं। और फिर 1993 में ही गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में उन्हें जेल भेज दिया गया। और समय बीतने के साथ ही देखते ही देखते लोगों का ऑन स्क्रीन हीरो अब रियल लाइफ का विलन बन चुका था। और हमले के कुछ समय के बाद ही संजय दत्त की खलनायक मूवी भी रिलीज हुई। और फिर जेल जाने के बाद से वह अगले 4 साल तक फिल्मों में काम नहीं कर सके। हालांकि 1993 में जेल जाने के बाद 1995 में उन्हें बेल मिल गई और फिर 1997 से उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इस लंबे गैप में भी उनकी पहले से बनाई हुई फिल्में रिलीज होती रही। और फिर वापसी के बाद 1999 में उन्होंने वास्तव और दाग द फायर की तरह ही कई सारी सुपरहिट मूवीज दी। और फिर आगे भी उन्होंने मिशन काश्मीर, जोड़ी नंबर 1, कांटे, मुन्ना भाई MBBS, शादी नंबर 1 और लगे रहो मुन्ना भाई की तरह ही बहुत सारी हिट मूवीज में काम किया। हालांकि दोस्तों मैंने अभी आपको जो मूवीज बताया है वो काफी कम है, इसके अलावा भी उन्होंने सैकड़ों मूवीज में काम किया है जिसका अलग अलग नाम लेना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसी बीच 2006 और 2007 में मुंबई बम ब्लास्ट के केस के चलते ही उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इस बार उन्हें जल्द ही बेल मिल गई। लेकिन इसी समय उनके लिए थोड़ी और राहत की खबर तब आई जब उन्हें आतंकवाद के केस में निर्दोष पाया गया। हालांकि अवैध हथियार रखने के जुर्म में वे अभी भी दोषी थे। और दोस्तों जैसा कि संजय दत्त शुरू से ही कहते आए हैं कि वे एक आतंकवादी नहीं हैं, और समय के साथ साथ यह भी सिद्ध हो गया। हालांकि अगले कुछ साल बीतने के बाद 2013 में अवैध हथियार रखने के जुर्म में 5 साल की उन्हें सजा सुनाई गई, लेकिन वो कुछ समय पहले भी जेल में बिता चुके थे
और इसीलिए सजा के बाद से उन्हें जेल में 42 महीने ही बिताने थे। हालांकि जेल में रहते हुए संजय दत्त ने बहुत ही अच्छा बर्ताव किया और जेल के सारे नियमों का सही से पालन किया, जिसके वजह से उनकी सजा में 102 दिन और भी कम हो गए और इस तरह से 25 फरवरी 2016 को वो अपनी सजा काट कर बाहर आ गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि संजय दत्त के लाइफ के ऊपर उनकी बायोपिक 29 जून 2018 को रिलीज होने वाली है और इस मूवी में संजय दत्त का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणबीर कपूर। और दोस्तों, अगर संजय दत्त के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने कुल 3 बार शादियां की हैं। पहले 1987 में रिचा शर्मा से, दूसरी 1998 में रिहा पिल्लई से और तीसरी 2008 में मान्यता दत्त से। और दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक समय पर भले ही संजय दत्त ने कोई जुर्म किया हो, पर वो आज अपनी जुर्म की सजा पूरी कर चुके हैं। और कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने कर्मों की सजा काट ले फिर वह दोषी नहीं रहता। उम्मीद करते हैं कि आपको संजय दत्त की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।